हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड आ गए हैं फिर से न्यू स्टेटस वीडियो लेकर, और फ्रेंड इस वीडियो को भी बनाने वाले हैं काइनमास्टर ऐप से। अगर आपके मोबाइल में काइनमास्टर ऐप नहीं है तो डाउनलोड कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, हम सबसे पहले काइनमास्टर ऐप को ओपन करके इस वीडियो को बनाना स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड काइनमास्टर ऐप ओपन कर दीजिएगा तो कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ से आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, और उसके बाद में आपको यहाँ से 9:16 के रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद में फ्रेंड आपको यहाँ पे सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और एडिटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ से इसको कुछ इस तरह से सेकंड कम कर देना है, 0.5 कर देना है। और उसके बाद में आपको यहाँ पे फेल स्क्रीन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ओके कर देना है फ्रेंड। और उसके बाद में फ्रेंड आपको जाना है यहाँ पे मीडिया के ऑप्शन में, और यहाँ से इस इफेक्ट वाले वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरह से। और फ्रेंड इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसके बाद में फ्रेंड यहाँ से ओके कर देना है। और उसके बाद में फ्रेंड कुछ इस तरह से इसको यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ कैंची के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और उसके बाद में फ्रेंड ट्रिम टू लेफ्ट कर देना है कुछ इस तरह से। और उसके बाद में फ्रेंड आपको यहाँ पे आ जाना है कुछ इस तरह से, और इसको कुछ इस तरह से 4 सेकंड तक कर देना है। और उसके बाद में फ्रेंड ट्रिम टू राइट कर देना है कुछ इस तरह से। और उसके बाद में फ्रेंड यहाँ से ओके कर देना है। और उसके बाद में फ्रेंड आपको यहाँ पे मीडिया वाले ऑप्शन में जाना है, और यहाँ से आपको कुछ इस तरह से 12 या 15 फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरह से। और उसके बाद में फ्रेंड यहाँ से हम फोटो सिलेक्ट कर लेते हैं कुछ इस तरह से। और उसके बाद में फ्रेंड यहाँ से ओके कर देना है। उससे पहले फ्रेंड एक और फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं कुछ इस तरह से, 15 सेकंड तक कर देते हैं फ्रेंड कुछ इस तरह से। और उसके बाद में फ्रेंड यहाँ से ओके कर देना है। और फ्रेंड उसके बाद में आपको यहाँ पे शुरू से आ जाना है, और उसके बाद में आपको जाना है लेयर के ऑप्शन में और मीडिया के ऑप्शन में, और यहाँ से आपको कुछ इस तरह से इस इमेज वाले को सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरह से। और उसके बाद में फ्रेंड आपको इस पर क्लिक करना है कुछ इस तरह से, और इस पर क्लिक करना है, और कैंची के ऑप्शन पर क्लिक करना है। और उसके बाद में आपको ट्रिम टू राइट कर देना है कुछ इस तरह से। और उसके बाद में फ्रेंड यहाँ से ओके कर देना है। और उसके बाद में फ्रेंड आपको इस पर क्लिक करना है, और इसको कुछ इस तरह से यहाँ पे चाबी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और इसको कुछ इस तरह से यहाँ पर ले आना है। और उसके बाद में फ्रेंड इसको कुछ इस तरह से जूम करना है। और उसके बाद में फ्रेंड आपको यहाँ पर शुरू से आ जाना है, और उसके बाद में फ्रेंड यहाँ पर भी जूम करना है कुछ इस तरह से। और उसके बाद में फ्रेंड यहाँ से ओके कर देना है। और उसके बाद में फ्रेंड आपको इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से इन एनिमेशन का ऑप्शन पे क्लिक करना है, और इसको कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाना है आपको कुछ इस तरह से। सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे नीचे आ जाना है कुछ इस तरह से। और उसके बाद में फ्रेंड यहाँ से ओके कर देना है। और उसके बाद में फ्रेंड आपको इस पर फिर से क्लिक करना है, और आपको ओवर एनिमेशन वाले ऑप्शन में आ जाना है, और यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको इस पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद में फ्रेंड यहाँ से ओके कर देना है। और उसके बाद में फ्रेंड आपको यहाँ पे आ जाना है, और इस फोटो को कुछ इस तरह से जूम करना है, बड़ा करना है फ्रेंड। और उसके बाद में आपको यहाँ पे फोटो पे क्लिक करना है, और यहाँ क्लिप ग्राफिक्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ आपको कुछ इस तरह से इस ऑप्शन को डाउनलोड कर लेना है, मेमोरी लाइन वाले ऑप्शन को आपको डाउनलोड कर लेना है फ्रेंड। तो डाउनलोड करने के लिए गेट मोड पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड। हमको डाउनलोड नहीं करना है फ्रेंड, तो हम यहाँ से फर्स्ट वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद में फ्रेंड यहाँ से ओके कर देते हैं। इसी तरह से हम सारे फ़ोटो में कुछ इस तरह से क्लिप ग्राफिक्स ऐड कर देते हैं, और यहाँ मेमोरी लाइन वाले ऑप्शन में आके यहाँ से 2 नंबर ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद में फ्रेंड यहाँ से ओके कर देना है। तो फ्रेंड हम सारे फ़ोटो में क्लिप ग्राफिक्स ऐड कर देते हैं, और फ्रेंड हम सारे फ़ोटो में क्लिप ग्राफिक्स ऐड कर दिए हैं। और उसके बाद में फ्रेंड आपको यहाँ पर शुरू से आ जाना है, और यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको शुरू से आ जाना है। और उसके बाद में फ्रेंड आपको 2 फोटो के बाद में यहाँ 3rd नंबर फ़ोटो पर क्लिक करना है, और यहाँ कलर फिल्टर का ऑप्शन में आ जाना है, और यहाँ आपको बेसिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपको B02 के ऑप्शन को सिलेक्ट करके ओके कर देना है फ्रेंड। इसी तरह से आपको 2 फोटो के बाद में कुछ इस तरह से फ़ोटो पे क्लिक करके, और कलर फिल्टर का ऑप्शन पे क्लिक करके, और यहाँ बेसिक के ऑप्शन पे क्लिक करके, और B02 पे क्लिक करके ओके कर देना है फ्रेंड। तो फ्रेंड हम कुछ इस तरह से सारे में कुछ इस तरह से फ्रेंड चेंज कर देते हैं कलर को। और उसके बाद में फ्रेंड इस पर भी उसी तरह से क्लिक करके, और यहाँ बेसिक ऑप्शन पे क्लिक करके, और कुछ इस तरह से क्लिक करके ओके कर देना है फ्रेंड। और फ्रेंड एक और फोटो बचा हुआ है लास्ट वाला, तो उस पर क्लिक करना है, और यहाँ कलर फिल्टर का ऑप्शन पे क्लिक करके, और बेसिक ऑप्शन पे क्लिक करके, और यहाँ से आपको B02 वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट करके, और उसके बाद में फ्रेंड यहाँ से ओके कर देना है। और उसके बाद में फ्रेंड आपको यहाँ पे शुरू से आ जाना है कुछ इस तरह से। और उसके बाद में फ्रेंड आपको जाना है लेयर के ऑप्शन में और मीडिया के ऑप्शन में, और इस लाइट वाले टेम्पलेट वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है फ्रेंड। और फ्रेंड इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड पहले इसको हम फुल स्क्रीन में कर देते हैं कुछ इस तरह से, और उसके बाद में फ्रेंड यहाँ से ओके कर देना है। और उसके बाद में फ्रेंड आपको फिर से आपको इसी पर क्लिक करना है, और यहाँ ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन में आ जाना है, और यहाँ से आपको स्क्रीन कर देना है, और उसके बाद में फ्रेंड यहाँ से ओके कर देना है, और फिर से फ्रेंड आपको इसी पर क्लिक करना है, और यहाँ कुछ इस तरह से साउंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और इसका साउंड कुछ इस तरह से म्यूट करके ओके कर देना है फ्रेंड।
और उसके बाद में फ्रेंड आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करके आपको लास्ट में आ जाना है कुछ इस तरह से, और इसका एक्स्ट्रा पार्ट कुछ इस तरह से कैंची के ऑप्शन पे क्लिक करके कट करके ओके कर देना है फ्रेंड। और उसके बाद में फ्रेंड इसमें सॉन्ग ऐड करना है फ्रेंड, तो ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे ऑडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और उसके बाद में फ्रेंड हमको कुछ इस तरह से फाइल में आ जाना है यहाँ पे, और उसके बाद में फ्रेंड हमको कुछ इस तरह से इस सॉन्ग को हम सिलेक्ट कर लेते हैं कुछ इस तरह से, और उसके बाद में फ्रेंड यहाँ से ओके कर देना है, और उसके बाद में फ्रेंड हमारा वीडियो रेडी हो गया है। तो चलिए फ्रेंड इस वीडियो को हम थोड़ा सा प्ले करते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं कि हमारा वीडियो किस तरह से एडिट हुआ है फ्रेंड, देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है फ्रेंड। और फ्रेंड इस वीडियो को सेव करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से तीर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, उससे पहले फ्रेंड आपको इस सॉन्ग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और इसका एक्स्ट्रा पार्ट कुछ इस तरह से कट कर देना है यहाँ पे कैंची के ऑप्शन पे क्लिक करके, और ट्रिम टू राइट करके ओके कर देना है फ्रेंड। और उसके बाद फ्रेंड इस वीडियो को सेव करने के लिए आपको यहाँ पे तीर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ से कुछ इस तरह से इसको फुल कर देना है, या क्वालिटी को चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या नहीं भी कर सकते हैं फ्रेंड। और उसके बाद फ्रेंड आपको कुछ इस तरह से यहाँ से एक्सपोर्ट कर देना है, और फ्रेंड ये वीडियो सेव होने लगेगा। तो फ्रेंड आप भी इस तरह से स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। तो फ्रेंड अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और हमसे कुछ भी पूछना चाहते हैं मैसेज के द्वारा तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से जाकर आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं और नए वीडियो के साथ।